गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम आपके पास बड़ी दुखद घटना के साथ आए हैं। मतलब हमारे साथ बहुत ही बड़ी दुखद घटना हो गई है। वो दुखद घटना ये हुई है, मैंने आप लोगों से शायद बोला था कि हमारा कोई ठिकाना नहीं कि हम कब तक हैं जी। तो आज हमारा ठिकाना फिक्स हो गया है कि अब हमको यहाँ का ठिकाना छोड़ के दूसरी जगह का ठिकाना पकड़ लेना चाहिए। गाइस, मेरे हॉस्टल वापस जाने की डेट आ गई है। मुझे नहीं जाना। देखिए मेरी पैकिंग, इतने सारे सामान, मेरे को तो पता ही नहीं था कि मेरे पास इतना सामान है। बेचारे मेकअप, देखिए बेचारा मेकअप मुझे मिस करेगा वहाँ। हाँ, मेकअप तो कर नहीं सकते। और देखिए ये, और ये लहंगा, मैंने इस लहंगे का भी रिव्यू किया था। मैं सोची थी कि मैं इसके साथ अच्छा सा मेकअप लुक करूंगी। मेरे सारे सपनों पे पानी फिर गया गाइस। मैं क्या करूं? मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना। जाना है, नहीं जाएंगे तो ट्रेनिंग कैसे होगी भैया? सेकंड ईयर में आ गए। गंदी लड़की, बोलो बोलो। बहुत दुख है, बहुत दुख है मुझे। खेद है कि आप टर जा रही हैं। टर जा रही हैं तो मुझे टालने में लगी थी कि मैं यहाँ से टर जाऊँ। यस, यहाँ से आप गो एंड गॉन हो जाइए। सबसे बुरा काम ये होता है पैकिंग करना। बस हमें एक जगह से उठाओ और दूसरी जगह पर रख दो। पैकिंग क्यों करनी पड़ती है? सामान क्यों लगता है? मम्मी, वहाँ मम्मी नहीं होंगी यार। ऐसा होना चाहिए ना हॉस्टल में जाने में। हॉस्टल में सिर्फ एक ही चीज की सबसे ज्यादा कमी होती है, मम्मियों की। सबसे ज्यादा ऐसा करना चाहिए, रूल हो जाना चाहिए, मम्मियों को भी उठा के लेके चले जाओ, फिर कोई टेंशन नहीं है। फिर सामान गया है कि नहीं गया उससे मतलब नहीं है, क्योंकि उन सब चीजों का हिसाब किताब तो मम्मी रखेंगी। कोई बात नहीं, चलो हम पैकिंग करते हैं, क्योंकि हमारे साथ तो हमारी मम्मी नहीं जाएंगी। कोई बात नहीं, हॉस्टल जाना ये तो कन्फर्म है। लेकिन इन सब लोगों को देख देख के बहुत बुरा लगता है यार। जिनके साथ इतनी मस्ती करो, छोड़ छोड़ के जाना पड़ेगा हॉस्टल। सब लोग मिलते हैं वहाँ, फ्रेंड्स होती हैं, लेकिन ये लोग तो नहीं होते ना, गंदे बच्चे लोग, मस्ती वाले लोग। हम लोग के साथ वहाँ जाने के बाद अच्छा लगने लगता है, लेकिन घर से निकलने में बुरा तो लगता ही है, घर छोड़ के जाने में। हम लोग शाम टाइम गप सड़ा के मारते हैं। कोई बात नहीं, वहाँ तो वीडियो कॉल में कर सकते हैं। आप लोगों को तो वीडियो मिलती रहती है, जैसे जैसे आप लोग वीडियो देखते हो वैसे फिर वहां की वीडियो डालूंगी तो ये लोग देखेंगे। बाय। नहीं, मेरे घर पे ना मेरे जाने की खुशी में बहुत सारी चीजें हो रही हैं, तो वो मैं आप लोगों को दिखाऊं, दिखा देती हूँ, क्योंकि जितने लोग घर से अगर कभी कहीं बाहर जाते होंगे ना, सबकी मम्मी लोग ऐसे काम करती होंगी जैसे मेरी मम्मी आज कर रही है। चलो किचन में। देखिए गाइस, मेरी मम्मी लोग मेरे जाने की खुशी में ये क्या कर रही हैं। बहुत खुश हो मम्मी, ये क्या क्या कर क्या रही हो आप? क्या कर रही हो बोलो ना। अरे लड्डू तो बना रहे हैं। तो कहे के लिए लड्डू बना रही हो? सौंठ है मिली, सॉरी बाल नहीं मिला। बताइए, घर में जब कुछ खुशी आती है तो घर में लड्डू बनते हैं कि नहीं आती है? घर सजावट दुखी तो इसमें सारे ड्राई फ्रूट्स डाल दिए हैं, तो एक भी खाओगी तो ताकत आएगी। अच्छा, ताकत चाहिए वहाँ। अलग अलग से कोई चीज खाओगे नहीं। ऑल इन वन का वो फॉर्मूला अपनाती हैं कि सारी चीजें, पता है कि अलग अलग उठा के खाएंगे नहीं, तो एक ही चीज में सारी चीजें मिला के डाल दो, एक भी खाओगे तो सब कुछ मिल जाएगा। इसीलिए तो बोलती हूँ मम्मी लोगों को भी ले जाने की परमिशन मिलनी चाहिए, इन लोगों को भी उठा के लेके चलो यहाँ से जैसे बैठी है, और ले जाकर के हॉस्टल में पटक दो, और फिर हमको बस एक ही काम से मतलब, पढ़ने से और ड्यूटी करने से, बाकी सब ये लोग देख लेंगी। कपड़े धुलना, ओ माय गॉड, मेरे को तो सब कुछ याद आ रहा है, वहाँ कपड़े भी धुलना पड़ता है यार। और टाइम भी ऐसे मिला हम लोगों को सिर्फ एक दिन का। जो गंदे कपड़े हैं वो गंदे ही जाएंगे, उनको धुला भी नहीं जा सकता कि धुल के लेके जाएं। टीचर्स लोग ना, कोई बात नहीं, चलो लो बनाओ लड्डू। भी जल्दी आई है, जाएंगी वो भी अपने घर। मैं बनवाऊ? हाँ, अपने खुशी के लड्डू मैं खुद ही बांधू। अब मैं बना ली हूँ सामान, अब तुम इसको।
कमी तभी महसूस होती है, किसी की इम्पोर्टेंस तभी महसूस होती है जब चीज उसके पास नहीं होती। ये मुझे आज पूरे 2 महीने बाद मिलने आया है, पूरे 2 महीने बाद, 20 कदम की दूरी पे रहता है, आज 2 महीने बाद मेरे को पता है कि कल जाना है, इसलिए मेरे से मिलने आया है। वैसे अच्छा कि आ गया, मेरे लैपटॉप का एक्सपेरिमेंट चल रहा है, उसको मैंने 2 महीने से, जब से ये आया नहीं तब से मैंने उसको खोला भी नहीं है, डिस्चार्ज पड़ा था बेचारा। कोई नहीं, अभी सबको लेके जाना पड़ेगा तो सबको सही सलामत करना पड़ेगा, तबियत ठीक करना पड़ेगा सबकी, क्योंकि वहां जाके मेरी तबियत ठीक रखने में इन लोगों का योगदान होगा। मेरी यहाँ पे सारी पैकिंग हो गई है और मेरी हालत सुबह से इतनी खराब है कि मेरे को लग रहा है कि मैं ऐसे ही कहीं पे थोड़ी सी जगह बना लूं और यहीं पर से सो जाऊं। सुबह उठूंगी और सामान लेके चली जाऊंगी, कौन बेड साफ करे। वैसे भी हॉस्टल में तो यही होने वाला है, तो अच्छा है कि यहीं से आदत डालना शुरू करते। ये इससे बड़ा बैग इसके पास है, तैयार है, इसमें जगह ही जगह है। कहाँ पे जगह है यार, नहीं जा रहा है कोई सामान, देखो सब अभी पड़ा है, अभी मैं क्या क्या मैं उसमें। हाँ तो तुम ही कर दो पैकिंग मेरी, फिर यार मेरा सामान ही नहीं आ रहा इन बैगों में, मैं क्या करूँ। वो बड़का वाले चाहो तो नहीं, तो तुम बोल रहे हो ना कि ऐसे दबा दबा के आ जाएगा, तो तुम ही मेरी पैकिंग कर दो, घर के सब खड़े हैं समस्या का समाधान करने के, मेरे पे भर लो उसमें और लेके चल के छोड़ आओ। अभी ये नेल पॉलिश भी छुड़ानी पड़ेगी। बड़े दिमाग खराब करने के बाद फाइनली मेरे बैग्स पैक हो चुके हैं, ये और ये, और अभी टाइम है चलिए लास्ट टाइम दीदी से मिलके आते हैं। तैयार हो गई, जा रही हूँ, बाय। ये देखो इनको, ये ऐसे बिल्कुल बैठी हैं, अपने मुंह छुपा के, इनकी तबीयत खराब है इसलिए मुझे इनसे मिलने आना पड़ा है। पॉपी के साथ तो ठीक है, वो डॉक्यूमेंट्स सब रखी हो, तुमको SMS में कर दूंगा, मेरे को मैं अभी SMS कर देता हूँ। हो गया, कल सुबह तक मैं कर देना, मैं दिला दूंगी, अभी कर देता हूँ, तुमको SMS करूँ, व्हाट्सएप करूँ। दादा को बड़ा मजा आ रहा था, यहाँ तुझे बड़ा मजा आएगा। हाँ डांटेंगे क्या क्या क्या, फिर से बोलो। डांटोगी? कोई डांटने वाला था ही कोई नहीं फिर ना। अच्छा मैं डांटती हूँ? देखो एक ही आ गया, एक ये भी लकड़ा आ गया, चलो।
चलो टाटा बांधो कर लो, क्यों नहीं करना? क्या ठीक से बैठो, क्या करते हैं? तेरे यार हूँ देखते हैं, तेरे यार हूँ मैं देखते हैं। हाँ चलो ना, मुझे नहीं देखना बेटा, मैं सोऊंगी, मुझे कल सुबह जल्दी उठना है ना, कल सुबह मेरी ट्रेन है ना। तुम मैं क्या करो, ये मेरे बाय गाइस ना क्यों भाई? हाँ तो आप ब्लॉग का एंड कर दो तो फिर चलो।